आप सभी को राजीव रोशन का नमस्कार। आज से हमने एक नई परिपाटी शुरू की है और समसामयिक विषयों से संबंधित एक परिचर्चा का सीरीज आयोजन करने का निर्णय लिया है। अधिक से अधिक छात्र छात्राएं या जिज्ञासु जो भी लोग हैं जानने का प्रयास करेंगे और करेंट टॉपिक से रिलेटेड ही हम किसी भी विषय को चुनेंगे। तो आज परिचर्चा के विषय में जो हमारा प्रथम कड़ी है उसमें हमने विषय रखा है देश का नाम भारत या इंडिया, नेम ऑफ कंट्री भारत और इंडिया। हाल ही में बड़ा ही ये विवाद का प्रश्न बन गया जब भारत सरकार की ओर से G20 का जो हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस हुआ है उस कॉन्फ्रेंस के आमंत्रण से रिलेटेड इनविटेशन कार्ड पर जो शब्द लिखे थे वह शब्द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था और इसी विषय पर विपक्षी ने भारत सरकार को घेरने की कोशिश की मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों से। तो यह विवाद का विषय प्रेसिडेंट ऑफ भारत से है। आम जनमानस, आम छात्र छात्राएं, आम नागरिक जिनके विषय में बड़ा ही कौतूहल का विषय बन गया, आखिर हमारे देश का नाम क्या है, हमारे देश का नाम क्या है, भारत या इंडिया या भारत और इंडिया दोनों। इन सवालों के जवाब देने के लिए ही मैं यहाँ पर आज आया हूँ और इस सोशल मीडिया के माध्यम से यह क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आखिर हमारे देश का नाम ऑथेंटिकली क्या है, भारत है या इंडिया है या भारत और इंडिया दोनों है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में एक राजनीति विज्ञान के शिक्षक होने के नाते मेरी यह जिम्मेवारी बनती है कि मैं आप लोगों को सही बातों से अवगत कराऊं, सही जानकारी दूं और यह विषय इसीलिए मैंने चुना है। तो आइए हम लोग इस विषय को आगे बढ़ाते हैं और इस विषय को आगे बढ़ाने के दौरान हम लोग उस विवाद पर असर डालते हैं जिसमें भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो शब्द इस्तेमाल किया प्रेसिडेंट ऑफ भारत, और उससे पहले जो शब्द इस्तेमाल किया जाता था वह शब्द आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते थे और हिंदी में जो होता था वह भारत का राष्ट्रपति, लेकिन अंग्रेजी वर्ड में भी भारत सरकार ने प्रेसिडेंट ऑफ भारत का यूज़ किया। इन सारे सवालों के जवाब हम ढूंढने का प्रयास करेंगे अपने संविधान के अंदर, क्योंकि जब कोई भारत सरकार के द्वारा ऑफिशियली बातें की जाती है तो आखिर वो ऑफिशियली बातों का रिलेशन किसी कानून से है या किसी अन्य चीज़ों से है या नहीं, इसको देखने का प्रयास करते हैं। और देखने के प्रयास में जो सबसे बड़ी कड़ी है, हम अपने भारतीय संविधान को देखते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान हमारे देश का सुप्रीम लॉ है। सबसे बड़ा कानून यदि हमारे देश में है तो वह भारतीय संविधान है और भारतीय संविधान को ही हम देखने का प्रयास करेंगे और अपने इस परिचर्चा के विषय को भी गहनता से समझने का प्रयास करेंगे कि हमारा भारतीय संविधान क्या कहता है। तो हमारे भारतीय संविधान जो कि आपका ड्यूअल लैंग्वेज में है, जो कि आपको द्विभाषीय है, जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखे गए हैं, और इस अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखने के कारण ये दोनों चीज़ें हम लोग को जानना आवश्यक है। तो भारतीय संविधान के भाग एक, जिसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यानी कि भारतीय संविधान की जो 22 भाग डिवाइड किए गए हैं उस 22 भागों में जो प्रथम भाग है
उस प्रथम भाग में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को डिस्कस किया गया है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा किया गया है। और संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र में कुल चार आर्टिकल हैं, यानी कि अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4। तो अपने सवालों के जवाब को हम लोग जब देखते हैं तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 जिसमें कहा गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मैं फिर से इसे दोहरा दूं, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का एक संघ होगा। बड़ा ही स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। यानी आर्टिकल 1 को जब हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर वेरी क्लियर है कि हमारे देश का जो नाम है संविधान के अनुसार वह भारत भी है और इंडिया भी। यानी हम यदि किसी शब्द को यूज़ करेंगे देश के नाम के तौर पे तो हम इंडिया और भारत दोनों यूज कर सकते हैं, ये हमारा संविधान कहता है। तो संवैधानिक रूप से हमारे देश का नाम भारत और इंडिया दोनों है। और हालिया में भारत सरकार ने जो G20 के से रिलेटेड जो इन्विटेशन कार्ड भेजा उसमें जो उन्होंने भारत शब्द का यूज़ किया है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द का यूज़ किया है, वो बिल्कुल ही अपने जगह पर संवैधानिक रूप से बिल्कुल सही है। तो ये तो बातें हो गई कि हमारा संविधान क्या कहता है और संविधान में हमने अपने देश का नाम इंडिया और भारत दोनों को देखा। अब हमें थोड़ा सा और इसके बारे में जानकारी जाननी है कि क्या ये जो दोनों शब्द हैं हमारे देश का नाम सिर्फ इंडिया या भारत क्यों नहीं पड़ा, जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है कि हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए। कोई कहता है भारत होना चाहिए, कोई कहता है इंडिया होना चाहिए, कोई कहता है कि इंडिया और भारत दोनों होना चाहिए। तो आगे जब हम अपने संविधान बनाने वाले संविधान सभा को देखते हैं और संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर के चेयरमैनशिप में जो प्रारूप समिति थी और प्रारूप समिति ने संविधान सभा के समक्ष जब यह भी ड्राफ्ट करके प्रपोजल रखा था डिस्कस करने के लिए कि देश का नाम भारत हो या इंडिया, तो उसमें बहुत सारे जो संविधान सभा के सदस्य थे खास करके HV कामत और अन्य लोगों ने कहा था कि हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारे देश की जो प्राचीनता है, हमारे देश के शुरुआत से ही हम जिस नाम को लेकर के चल रहे हैं वह नाम भारत रहा है, इसीलिए हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए। दैट्स वेरी क्लियर। डॉक्टर अंबेडकर और अन्य लोगों का कहना था कि हमारे देश का नाम इंडिया भी होना चाहिए। उसका कारण ये है कि हमारे जो देश है भले ही हम अंग्रेज़ों के अधीन रहे हैं और अंग्रेज़ों के अधीन रहते हुए इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी पहचान बनी है, इंटरनेशनल लेवल पे जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वह इंडिया के नाम से करते हैं, चाहे वह लीग ऑफ नेशन यानी कि 1920 में बना हुआ लीग ऑफ नेशन हो या जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो बना हुआ 1945 में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हो, संयुक्त राष्ट्र संघ हो जो वर्तमान में अभी UN के नाम से जाना जाता है, यूनाइटेड नेशंस के नाम से जाना जाता है। हमने UN की भी जो फाउंडर मेंबर के तौर पे हमने अपने नाम को इंडिया के नाम पे रिकॉग्नाइज करवाया क्योंकि हम उस समय आज़ाद नहीं थे, फिर भी हम एक फाउंडर मेंबर के तौर पे जाने जाते हैं। और वर्तमान समय तक जो हमारा रिप्रेजेंटेशन रहा है, जो हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो अपनी बातों को कहा है वो इंडिया के नाम से कहा है। तो संविधान सभा में जो डिस्कस का विषय था, आखिर सभी संविधान सभा के सदस्यों ने सहमति बनाने की कोशिश की और सहमति के दौरान ही
निर्णय लिया गया कि भारत जो हमारे देश का नाम होगा वो भारत और इंडिया होगा, इंडिया जो भारत भी कहा जाएगा और भारत जो इंडिया भी कहा जाएगा। और इसी संदर्भ में हमारे संविधान जब पूर्ण रूपेण से लागू होता है 26 जनवरी 1950 को जब लागू होता है तो हमारे संविधान के भाग एक अनुच्छेद एक में इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा होता है। इंडिया जो भारत है वह राज्यों का संघ होगा, यानी कि हमारे संघ का नाम, हमारे यूनियन का नाम भारत और इंडिया दोनों है। ये चर्चा का विषय है और हमने आपको इस चर्चा के विषय में स्पष्ट करने की कोशिश की है और हमें आशा है कि आप इस स्पष्टता को अच्छी तरह से समझेंगे और उन लोगों को बताने की कोशिश करेंगे, खास करके आम लोगों को जो इसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं उन्हें आप संवैधानिक दृष्टिकोण से बताने की कोशिश करेंगे जो क्लियर है। ओके, तो आज के परिचर्चा में बस इतना ही। हम फिर अगली बार जब इस सोशल मीडिया पे आएंगे तो एक के नए परिचर्चा के विषय के साथ आएंगे, वह भी हम शेयर करेंगे। और मैं पहले ही बता दूं कि मैं अगली परिचर्चा के विषय के रूप में G20 के विषय में आपसे कुछ बातें शेयर करने वाला हूं। और तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार। थैंक यू सो मच।